कबीर दास जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय। भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके जन्म तथा जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वान उनका जन्म सन 1440 में हुआ मानते हैं। कबीर दास जी का पालन पोषण जुलाहे दंपति नीरू और नीमा ने किया। उनका विवाह लोई नामक महिला से हुआ। उनका एक पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली हुए। कबीर दास जी स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि कबीर दास वाराणसी के पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर रामानंद जी की प्रतीक्षा में लेट गए। जब स्वामी रामानंद जी सीढ़ियों से उतरे तो उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ा और उनके मुख से राम राम शब्द निकला। उसी राम शब्द को दीक्षा मंत्र मानकर कबीर दास ने रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर दास जी अपने अंतिम समय में काशी को छोड़ मगहर चले गए। मगहर में सन 1598 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। साहित्यिक परिचय। कबीर दास जी निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। यही कारण है कि वह अवतारवाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। कबीर दास जी के काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाषा शैली। कबीर दास जन सामान्य के कवि थे। उन्होंने सीधी सरल भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में हिंदी की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्द अधिकतर प्रयोग हुए हैं। उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुकड़ी भी कहा जाता है। कृतियाँ। कबीर दास जी की वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके तीन मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। उनकी अन्य रचनाएं कबीर सागर, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली आदि। साहित्य में स्थान। कबीर दास जी का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में सत्य और पावनता पर बल दिया। समाज सुधार, राष्ट्रीय और धार्मिक एकता उनके उपदेशों का काव्यमय स्वरूप था। तत्कालीन समाज की विसंगतियों और विषमताओं को उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से व्यक्त किया है। अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति की ईमानदारी उनका सबसे बड़ा गुण था। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक है। कबीर दास जी के विषय में अधिक जानकारी एवं बाकी कवियों और लेखकों के जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को देखें।